सबको संबोधित करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद और बहुत ही सरल अमृतभाषी ऐसे सीपी जोशी जी को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनने पे और आज नवरात्र के अवसर पे आपने पदभार ग्रहण किया, मैं हृदय से आपको बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। आपका कार्यकाल बहुत राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान के जनता के लिए बहुत शुभ रहे और राजस्थान में जंगल राज कुशासन वाली यह गहलोत जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकने में आप संगठन का नेतृत्व करें और सफल भी हो। मित्रों, डॉक्टर सतीश पुनिया जी राजस्थान प्रदेश के 3.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। आपके नेतृत्व में संगठन का विस्तार राजस्थान के कोने कोने पे हुआ और जिस गहलोत सरकार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, मुझको लगता है कि 200 जनाक्रोश यात्राएं, 200 विधानसभा में एक साथ चलना, 1937 दिन चलना देश के किसी भी राजनीतिक दल में यह पहला राजस्थान प्रदेश होगा जहां 10 दिन तक पूरी 200 विधानसभाओं में यात्राएं चली। यह आपके नेतृत्व में हुआ। उसी प्रकार से परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ भी जिस प्रकार से आंदोलन किया, राजस्थान के कोने कोने में डॉक्टर सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में आंदोलन जो हुआ बहुत ही सफल आंदोलन रहा। आज राजस्थान की जनता यह मांग कर रही है कि जितने से जल्दी कांग्रेस के कुशासन वाली सरकार जाए, धोखे में आई हुई कांग्रेस की सरकार, झूठ बोल करके आई हुई कांग्रेस सरकार, उसको धक्का मारने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार राजस्थान की जनता के इच्छा के अनुरूप आंदोलन कर रहे हैं। मैं सतीश पुनिया जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लगातार निरंतर चलते रहना, घर पे नहीं रहना, लगातार 200, 300, 400, 500 किलोमीटर कई विधानसभा में रोज यात्रा करना, राजस्थान का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां सतीश पुनिया जी ने कई बार नहीं गए होंगे, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। मित्रों, मैं जब आ रहा था तो 2-3 संदेश आए। यहां पे अर्जुन राम मेघवाल जी का, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी आना चाह रहा हूं लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष काम के कारण रोक रखा है, इसलिए जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बोलिएगा कि मैं सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और वो उस कारण वो संसद में व्यस्त है इसे नहीं आ पाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जो संघर्ष के प्रतीक है, उनको चोट लगी है गर्दन में, वह बिल्कुल घर में बेड पे लेटे हुए, आज किसी तरीके से वो पार्लियामेंट गए, चूंकि वहां पे राज्यसभा में व्हिप जारी था, वो अभी आना चाह रहे थे, करते गाड़ी में हम लेट करके आएंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप दिल्ली से ही उनको शुभकामना दे दो, अभी तो बहुत संघर्ष करना है, इसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी ने जी भी हमारे माध्यम से सीपी जोशी जी को शुभकामना भेजा है। मित्रों, घनश्याम तिवारी जी बगल के सीट में सुबह राज्यसभा में बैठे थे, वो अभी कह रहे थे कि मुझको चलना है। मैंने कहा भाई साहब आप मत जाओ क्योंकि आज व्हिप जारी है राज्यसभा में, आप जाओगे तो कोरम कम हो जाएगा। मैं आपका भी शुभकामना राजस्थान के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से सीपी जोशी जी को बता दूंगा कि आपके ढेर सारी शुभकामना है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, चूंकि आप सबको मालूम है कि नवरात्र के समय में वह दतिया मिराती हैं और 9 दिन तक बिल्कुल आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा है और वीडियो भेजा है उसके साथ साथ संदेश भी दिया है। वह पार्टी की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार मुख्यमंत्री रही, उनका भी जो शुभकामना है वह भी सीपी जोशी जी के साथ है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों सांसदों ने शुभकामना दी है। जब इतनी ढेर सारी शुभकामनाएं हो
तो अध्यक्ष का पद तो सफल होता ही होता है। आप सब भाग्यशाली है, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके आप कार्यकर्ता हैं। और इसीलिए भी भाग्यशाली है कि देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो आपका नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए मित्रों आप सभी भाग्यशाली है, मंच पे सभी जो हमारे महानुभाव हैं उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन सबको बोलना था, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बोलना था, उन्होंने कहा कि भाई साहब लेट हो रहा है मैं नहीं बोलूंगा। ओम माथुर जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है उनका हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन्होंने कहा देर हो रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, हम सबकी इच्छा थी को बोले। अलका गुर्जर जी बोले, महेश शर्मा जी बोले, सबकी हम लोगों की इच्छा थी बोले लेकिन उन्होंने कहा कि देर हो रहा है इसलिए सीपी जोशी जी बोलेंगे और हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। और आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा सीपी जोशी जी का एक बार अभिनंदन करें और शुभकामना दे उनका अध्यक्षीय काल सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।